बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट कोर्स का आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हों। तो सबसे पहले हम अडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ टूल डिस्कशन किए थे, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेट टूल। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो मेन्यू है, क्विक सिलेक्शन टूल मैजिक वन टूल। तो सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है, क्विक सिलेक्शन यानी कि जल्दी से सिलेक्शन बनाना अपने मर्जी से। फर्ज कर हमने एक तस्वीर ओपन की हुई है, किस तरह से हम इसे अभी सिलेक्शन करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए। क्विक सिलेक्शन टूल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर प्रॉपर्टी बार में इधर हमें दिखाई दे रहा है इसका साइज़ क्या होना चाहिए। साइज़ हम अपने मर्जी से बना सकते हैं, तो पहले हम इसे साइज़ कम कर देते हैं, 22 रखते हैं। तो इस तरह से हमारा मतलब सेम कलर जो इसे डिफरेंट दिखाई देगा ये ऑटो इस तरह से खुद सिलेक्ट करेगा। अगर इसका साइज़ हम बढ़ाना चाहें हम अपने मर्जी से इस तरह का सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं। अगर साइज़ इसका बढ़ाना चाहें इधर हम क्लिक करके साइज़ पर क्लिक करके साइज़ बढ़ाएंगे। अभी ये हमारा कुछ और एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, इधर हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। जो एरिया हमें कम करना है, सबट्रैक्ट करना है, वो इस तरह से हम अपनी मर्जी का सिलेक्शन बना सकते हैं। तो जैसे ही अल्टर छोड़ेंगे ये दोबारा हमारा प्लस में आ जाएगा। ये इस तरह का हम सिलेक्शन बना सकते हैं। ये इधर हमारे एरिया कुछ सिलेक्ट नहीं है, तो इसे भी हम अपनी मर्जी से इस तरह का सिलेक्शन बना सकते हैं। इधर हमें इसका साइज दिखाई दे रहा है जो हमारा प्लस का निशान है, इसे हम ज़्यादा करेंगे। अपनी मर्जी से जिस तरह का हम सिलेक्शन बनाना चाहें उसी हिसाब से रखेंगे। तो ये देखें हमारा पूरा ज़्यादा सिलेक्ट कर रहा है। अगर इसे हम कम करना चाहें तो इधर से इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल ये भी सिलेक्शन का ही टूल है। इसका काम क्या है कि तो इस तरह का कुछ तस्वीर हमें सिलेक्ट करना है, तो हम इसे मैजिक वन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे तो सेम कलर जो इसे दिखाई देगा ये उसे सिलेक्ट कर देगा। अभी इधर प्रॉपर्टी बार में इसका टॉलरेंस, अभी इसे हम कम करें दो, मतलब ये कम कम एरिया सिलेक्ट करेगा। मतलब अगर टॉलरेंस इसे बढ़ा दें तो फुल कर दें, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये तो ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करेगा। अभी हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये एरिया हम इधर क्लिक कर दें, जो इसे सेम कलर दिखाई दिया वो इसने खुद बखुद सिलेक्ट कर दिया। अभी हम इस तरह क्यों करते हैं, फ़र्ज करें ये हमारा इसका है, हम इधर कोई इसका कलर चेंज करना चाहें या कुछ और अपनी मर्जी से इधर लगाना चाहें तो और इसका है तो हम कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, इसे करेंगे इनवर्स। इनवर्स करके कंट्रोल जे प्रेस करके इसका हमने एक डुप्लीकेट लिया है। इसके अलावा मैंने एक और तस्वीर ओपन किया है, ये अभी हम इसका एक कॉपी करके उस पिक्चर में कैसे लगाएंगे। सेम आसान तरीका है, वही मैजिक वन टूल में आएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो सेमिलर कलर है ये खुद ब खुद ऑटो इसने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जे से करेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे। तो जी वर्स ये किसने कॉपी बनाया, अभी ये इसका है, ये इधर हम इसे कॉपी करके उधर इसे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल हमने कॉपी कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और इस लेयर में आके इसे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी जैसे ही करेंगे, सॉरी, तो इधर सिंपल इसे सिलेक्ट करना है, सॉरी, सिलेक्ट करके जैसे ड्रैगिंग करके इधर इसे लाएंगे तो ये देखें इधर ये हमारा स्केच चेंज होने लगा है। अभी हम ये लायर टू है इसे नीचे करेंगे, लायर वन को ऊपर, अभी इस तरह दिखाई देगा। अभी ये कुछ एरिया है हमें इसे थोड़ा स्क्रेच करेंगे, ये भी ऑटो फिल हो जाएगा। तो जी वर्स ये देखें इस तरह से हम स्काई का कलर या कुछ और अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें तो वो हम इसे इजीली इस तरह से कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी में इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वो एक एक करके हम ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें यही यूज़ होते हैं, टॉलरेंस है,
मतलब और कुछ इसमें खास नहीं, बस ये था आज एक हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई, अगर पसंद है कैंडल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।